आपका विश्वकर्मा एक योजना अभी अभी चलाई है, वो मातृ गरीबों के लिए चलाई है। मंगलौर की सीमाएं से बाहर दिए ना भाई, बीजेपी को मंगलौर की पब्लिक लाएगी। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी और मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। आज भी हम आपको लेकर आए हैं मंगलौर विधानसभा के अंदर और हम यहाँ कुछ युवाओं से बात करेंगे लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी और उपचुनाव भी होने जा रहे हैं विधानसभा के, हाजी सरवत करीम जी के डेथ हो जाने के बाद जो सीट खाली हुई है उसे लेकर। हमारे पिछले एपिसोड में आपने जिस तरह से देखा है, कुछ लोग हाजी निजामुद्दीन को सपोर्ट करते दिखाई दिए, तो उनसे ज़्यादा दिखाई दिए हाजी सरवत करीम के बेटे उबैदुर रहमान को, जो कि बसपा के टिकट से उपचुनाव लड़ेंगे यहाँ से। तो अभी सबसे पहले हम इन सब लोगों से पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, किस पार्टी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को। तो आप सब लोग बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं? जी। आप? मैं मंडल अध्यक्ष शहजाद इदरीसी से अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा। देखिए भाई साहब, हमारे मोदी जी ने इतने काम किए और इतने काम कर रहे हैं कि उज्जवल योजना, आपका विश्वकर्मा एक योजना अभी अभी चलाई है, वो मातृ गरीबों के लिए चलाइए, जिसमें मजदूर आपका बाड़ी का काम करने वाला, आपका सिलाई का काम करने वाला, आपका नाई का काम करने वाला, इस तरह के जो है 300 मोदी जी ने इसका प्रस्ताव रखा और हम लोग उस पर लोगों को समझा रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि भाई आप लोग फॉर्म भरो विश्वकर्मा का, आपको 5,000 रुपये की किट मिलेगी, 15,000 रुपये की आपको कैश मिलेंगे किट के नाम के, और आपको उसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही हमारी उज्जवल योजना है, ऐसे ही हमारी जो आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने बनाया, 5,00,000 रुपया एक गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करावे था, लेकिन आज 5,00,000 रुपये की सहायता मिलती है। ये तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में भी होता था कांग्रेस के टाइम पे। देखिए, कभी आयुष्मान कार्ड सुना आपने? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना होती थी जो, उसी को आयुष्मान के नाम से प्रचार किया गया है, ये सुनने में आता है, लेकिन पॉपुलर तो कोई नहीं हुआ, किसी को नहीं मालूम, मार्केटिंग नहीं की गई, वो एक अलग बात है। बिल्कुल किसी तरह की। और उज्ज्वला योजना की आपने जो बात की है, तो अभी लोग तो परेशान है सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर। देखिए, हमारे मोदी जी ने जो सिलेंडर दिए हैं, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर कितने का आता है? जब बंदा अपना रिफिल कराने जाता है सिलेंडर, वो कितने में रिफिल होता है? देखिए, होगा तो इतने में ही, लेकिन जो है उसमें छूट दी गई है। कितनी छूट दी गई? उसमें सब्सिडी दी गई है, काफ़ी सब्सिडी दी गई है कि एक मजदूर आदमी अपना सिलेंडर भरवा सकता है। सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ, कितने का सिलेंडर पड़ता है उज्ज्वला योजना में जब कोई सिलेंडर रिफिल कराता है? आप बता रहे हैं, आप दिखा सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक का कहना है, जो उज्ज्वला योजना का इन्होंने लाभ उठाया है, कि सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है बढ़ते रेट को लेकर। आप बता रहे हैं 260 रुपये का सिलेंडर अगर किसी को महंगा मिल रहा है? इसकी पहले आप ये मालूम करो, इसकी क्या जो है, ये सर्वे करो कि क्या नाम है, इन लोगों को मिल रहा है या नहीं। सर, मिल रहा सर्वे में ही बात सामने आई है, लोगों का कहना है कि उज्ज्वला योजना शुरू हुई, लाभ उठाया, सिलेंडर मिला, उसके बाद वो महंगा पड़ने लगा, इसलिए बंद कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे मोदी जी ने हर तरह की फैसिलिटी दी है, सिर्फ समझने की बात है, वो लोग जाएं वहाँ समझें, एजेंसी पे जाएं, अगर कोई उन्हें दिक्कत आ रही है तो हम लोग उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप? मैं शमीम भाई, मंडल महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा से। और आपने बोला मंगलौर में दो नेता हैं, हाजी जी और काजी जी, जो मेरे सुनने में आया, मैंने वो बोला है। नहीं नहीं, वो मैं, मुझे भी सुनना, आप बोल रहे थे शहजाद भाई के साथ, तो मैं कह रहा हूँ आज मंगलौर का मुद्दा है, मुद्दा कैसा है, विकास का मुद्दा है। और यहाँ पे दोनों काफ़ी दिन से रहे, कोई 70 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, आज तक के मेरे मंगलौर का विकास नहीं हुआ, और मुझे देख के बहुत दुखी होता हूँ मैं उन कार्यों को देख के। आज मेरे मंगलौर में वो विकास नहीं है, वो सड़कें नहीं हैं। तो फिर आप बीजेपी को अभी तक लाए क्यों नहीं? भाई, बीजेपी को मंगलौर की पब्लिक लाएगी, मैं तो दिलो जान से हूँ। और आज हाईवे मेरा टंडे भनेटे से और मंगलौर के इस कोने तक के होता, हाईवे जब होता, जो मेरा यहाँ पे कोई विधायक होता, और मैं तो आपको विधायक तो आप लोग बनाएंगे ना, जनता तो आप हो यहाँ की। मैं जनता हूँ,
अगर विधायक बनाऊंगा मैं तो कह रहा हूँ, इतने कार्य कराता हूँ मैं भी, और मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं काम किया तो सबसे पहले गिरवान शमीम भाई का पकड़िए, और फिर जो यहाँ से प्रतिनिधि आएगा लड़ने फिर उसका पकड़िए। इंशाल्लाह एक कार्य आपका होगा मंगलौर के अंदर, एक बार आप विश्वास करके देखें। लोगों का कहना है काजी निजामुद्दीन चीज पे विश्वास किया था, वो तो अब मिलते ही नहीं, वो पैराशूट भाई। एक बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे दिखाइए। कैसे विश्वास दिलाएंगे भाई? विश्वास ऐसे दिखाइए, हम दिखाएंगे। इलेक्शन से पहले कैसे विश्वास दिलाएंगे? हम ऐसे दिखाएंगे, मैं बोलता रहा हूँ सबसे पहले गिरवान मेरा पकड़िए शमीम भाई आप। वो तो चुने जाने के बाद की बात है ना जी, वो तो चुने जाने के बाद की बात है। अगर चुनने के बाद विकास नहीं हुआ तो गिरेबान पकड़ा जाए जी। जब सत्ता में आ गए, पावर में आ गए, तो किसी की भी हिम्मत नहीं आप पे हाथ डाल दे। सुनो, इस टाइम तो मंगलौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये लोग ये पुष्कर सिंह धामी से अपना काम मांगे तो पुष्कर सिंह धामी काम को नहीं मना करेंगे, वे मांगे तो इस योजना के बारे में नहीं मांगेंगे। लोगों ने बताया कि हाजी सरवत करीम जी ने दो कॉलेज, एक हॉस्पिटल और इस तरह के बहुत सारे विकास कराए हैं, और हम लोग इसलिए पसंद करते हैं, काजी निजामुद्दीन के समर्थक डाइवर्ट हो गए हैं हाजी सरवत करीम के बेटे उबैदुर रहमान यानी बसपा की तरफ। जी जी, जब भी इतने कार्य हुए हैं, उन्होंने कार्य किए हैं तो मेरी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की। जब सूबे में सरकार भारतीय जनता पार्टी के है तो एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तो बनती है कि जो उसकी विधानसभा है उस प्रदेश की, वहाँ पर विकास कार्य तो चले, उनके बिना होगा कैसे? आपने बोला कि हाजी जी ने दो डिग्री कॉलेज दिए, बजाय डिग्री कॉलेज मंगलौर की सीमा से बाहर दिए ना। कहाँ कहाँ दिए, कितनी दूर दिए? एक तो सिक्कर में, एक पीरपुरा। मंगलौर का आदमी क्या पीरपुरे जाएगा पढ़ने के? आप मुझे बताएं, मंगलौर में इतनी जगह है कोई जहाँ डिग्री कॉलेज बन सके? नहीं है, जगह है, टंडा रोड पे है जगह। अच्छा, और यहाँ पे लंडा रोड पे जगह थी पर मंगलौर से बाहर। मेरे मंगलौर में भी जगह है, आप बना के तो देखो, नहीं बनाएगा कोई। जनता घर की बात आती है, जनता परिवर्तन चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। आप लाएंगे? जी बिल्कुल। अभी तक क्यों नहीं लाए? जनता परिवर्तन, जनता समझ रही है। अभी तक कोई भी मुझे बताए कि यहाँ पर दो ही नाम है, एक काजी जी एक हाजी जी, तीसरा नाम क्यों नहीं आता? हमारे कैंडिडेट इससे पहले चुनाव लड़े, 18,000 कुछ वोट ली। अब आने वाले समय जो है भारतीय जनता पार्टी का है, और ये हम आपको दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये विश्वास आप मुझे नहीं, जनता को दिलाएं। मैं आपको भी दिलाऊं, मीडिया वाले हैं आप, हमारे चैनल के थ्रू आप जनता को दिलाएं, और यहाँ पे आप लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हुए तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को आप ले आएंगे। हम बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं, और जनता की जो पीड़ा है, जो उनकी परेशानियां हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी बाखूबी बहुत अच्छे से उन कार्य हल करती है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये हक बैठता है कि आने वाले समय में हमारा नारा है 400 पार। अब की बार 400 को पार, लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए। और रहा इस इलेक्शन की बात, हाजी काजी देखिए सब अपना काम कर रहे हैं, हाजी भी अपना काम कर रहे हैं, काजी जी भी अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। धरातल पे किस तरह का काम नहीं हो रहा है? देखिए हमारी जो यहाँ की मंगलौर की चिंता है, सबसे बड़ी चिंता ये है कि यहाँ की व्यवस्था सारी ख़राब हो पड़ी है। यहाँ पर कोई ऐसा गरीब के लिए कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई इस तरह की क्या नाम है जो है संस्था नहीं है कि कोई जो है भाई चलिए कोई पार्क यहाँ बना हुआ हो। आज तक किसी विधायक आप क्या वादा करेंगे अगर बीजेपी का विधायक यहाँ बन जाता है? हम बहुत कुछ करेंगे। क्या जनता से क्या वादा करेंगे? देखिए हमारा विधायक बन जाए आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि हम क्या करेंगे, ये तो समय बताएगा कि हम क्या करेंगे। दरअसल मैंने अपने पिछले एपिसोड जो कुछ बनाए हैं उसमें आप देखेंगे जो वीडियोस, लोगों से सवाल किया आप काजी जी को सपोर्ट करते थे फिर हाजी जी की तरफ क्यों गए? उन्होंने कहा वो सुनते नहीं, और अगर हाजी जी के बेटे उबैदुर रहमान जी ने भी ना सुनी क्यों नहीं भी बदल देंगे? आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा जो कैंडिडेट यहाँ से आएंगे यहाँ की एक एक चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा, हमारे कार्यकर्ता हम लोग हम सब मिलके कार्य करेंगे, यहाँ का मंगलौर का विकास होगा,
आज तक यहाँ विकास नहीं हुआ। आप देखना अब की बार हमारा कैंडिडेट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी मंगलौर के अंदर कितना विकास करती है। कौन है कैंडिडेट के लिए? कैंडिडेट तो हमारे कमल का फूल है, हमारा कमल का फूल है जी। अभी कोई कैंडिडेट का नाम फाइनल हुआ? हमारे कैंडिडेट 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 कोई भी हो अभी देखिए, ये हमारा काम नहीं है। यानी चुनाव चिन्ह पे अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं? चुनाव चिन्ह तो पक्का है जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तो हमारा पक्का है। आने वाले समय में हम आपको कार्य बताएंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप आगे हमसे ये कहोगे कि अध्यक्ष जी बहुत बढ़िया कार्य मंगलौर में, सोच भी नहीं सकते थे जितना कार्य यहाँ। और रहा कैंडिडेट की बात, ये हमारे हाई कमान है वो। अच्छा, उत्तराखंड बनने के बाद से, जब से विधानसभा मंगलौर बनी है, तब से अब तक बीजेपी को लेके क्या कहेंगे? क्यों आप लोग नहीं लेके आए बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही लोगों के बीच रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे लोगों के बीच रहता है। फिर तो विधायक क्यों नहीं बन पाते? लोगों की एक सोच है, ठीक है अब की बार जो है हमने काम किया है, और केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, और इंशाल्लाह दोबारा केंद्र में हमारी सरकार आ रही है। और रही यहाँ पे जीतने के बाद अब की जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख सभी हमारे बने हैं, तो मंगलौर विधानसभा सीट भी इंशाल्लाह अब की बार हम जीत रहे हैं बहुत भारी मार्जिन के साथ, और मुस्लिम समाज हमारे साथ है और अन्य समाज हमें वोट दे। और लोकसभा में क्या कहते हैं? लोकसभा भी हम जीत रहे हैं बहुत मार्जिन से, जीत 400 पार से हम जीत। पक्की बात है? 100%। और विधानसभा पार्टी का कार्यकर्ता अति उत्साहित है। आप कुछ कहोगे जी? बोलिए कुछ भी बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में कि कौन बनेगा, क्या आप चाहेंगे कि अगर बीजेपी जीत जाती है कैसे बेटर होगा, काजी निजामुद्दीन या उबैदुर रहमान से? देखो, अगर बीजेपी जीतती है मंगलौर के अंदर विकास होगा, और विकास ऐसा होगा कि आदमी देखते रह जाएंगे। हमारे जो के मलकपुरा रोड पर बहुत तगड़ी परेशानी होती है, उस परेशानी की भी समस्या मिल जाएगी। रोड से निजात, देखो कितना जाम लगता है, इस सब से निजात मिल जाएगी। इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा और निश्चित रूप से हम उसका पूरा साथ देंगे। अच्छा, मुझे एक बात आप ये लोग बताएं कि जो परेशानी आप कह रहे हैं, कभी अपने मौजूदा विधायक से डिस्कस किया इन परेशानियों को, इसको लेकर गए? काफ़ी बार किया हमने क्या? और अपनी समस्या बताई, भाई वहाँ पे सड़क खराब है, वहाँ पे नाली खराब है, आप जाके भी देख सकते हो मीडिया के द्वारा, आज भी वहाँ पे दिक्कतें हैं, और मुझे देख के मैं खुद रोता हूँ चीजों को। जैसे क्या जवाब मिलता है आपको जब समस्या लेकर जाते हो? बस यही होता है, हमारी सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। ये कहना किसका है? काजी निजामुद्दीन साहब का है। करीम वे तो खुद हमारी भारतीय जनता पार्टी से कार्य कराते हैं। देखो क्या है, जब मुखिया होगा किसी भी पार्टी का जी, तो ये जो छोटी छोटी विधानसभा होती है ना, ये उसका परिवार होता है मुख्यमंत्री का, ध्यान तो देना पड़ेगा ना। अगर पुष्कर सिंह धामी जी ये कह दें कि मंगलौर में मेरा विधायक नहीं है, मैं विकास नहीं करूंगा, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं कहेंगे ना, करना पड़ेगा। वे ना ही नहीं कर सकते, उन्हें सरकार चलानी है। कोई भी मुख्यमंत्री मना नहीं कर सकता। क्यों मना करेंगे? कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आज मना कर सकता। जो राशन मिल रहा है गरीब जनता को, आयुष्मान कार्ड हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और आपको गैस सिलेंडर समीम भाई ने भी बंटवा रखे हैं मंगलौर के अंदर। कोई ऐसा नहीं कह सकता, समीम भाई ने जितने भी विकास करता हूँ, आप मेरी फेसबुक भी खोल के देख सकते हैं, और मैं किसका कार्य करता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। तो आज मेरे में दम है, इंशाल्लाह इसी तरह काम करते रहेंगे। एक बार विश्वास करके देखें मंगलौर की पब्लिक, अगर हमने काम ना किया, हमें मंगलौर से जूते और चप्पल मार के, और सबसे पहले गिरवान मेरा पकड़े हुए लोग, शमीम भाई बहुत बोला करते थे मंगलौर में विकास होगा, इंशाल्लाह एक बार भरोसा करें हमारे पे और विश्वास करें, और यहाँ पे कमल खिलाएं मंगलौर के अंदर जी। देखो जो बातें समीम भाई ने कही, इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, और जनता बदलाव के मूड में है, और जनता परिवर्तन चाहती है। जनता परिवर्तन चाहती है, तो आप लोगों का कहना है कि इस परिवर्तन के लिए बदलाव होगा? बदलाव होगा, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान होगा, कमल का फूल। चलिए ठीक है, तो अभी आप लोगों ने सुनी इन युवाओं की बातें, जिनका कहना है कि मंगलौर की जनता बदलाव मांग रही है, और बहुत जल्द यहाँ
आप देखेंगे विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा और उसके लिए हम दिलो जान से मेहनत भी कर रहे हैं। जोश के साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जोश।